बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है इमरान जाजीब और मैं स्पेन के शहर बुर्गस में रहता हूँ। आज जिस टॉपिक में हम बात करना चाह रहे हैं वो है देसी ड्राइवर्स इन यूरोप। ये जो आप जॉब सर्च में जाते हैं, जब नेट पे कहीं भी आप जॉब सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि जो ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा है। यूरोप में बहुत ही ज़्यादा ड्राइवरों की ज़रूरत है। जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, स्पेन, फ्रांस, हर जगह पे ना ड्राइवर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आप तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरे दोस्तों भाइयों यही है कि आपको आप लोगों को मोटिवेट करना कि इस साइड पे आएं। आप देखेंगे कि आप जो भाई मेरे रेस्टोरेंट के कम पे काम कर रहे हैं, जो कबाब है, जो पीसीओ है और जो फैक्ट्री एरिया हैं उनमें काम कर रहे हैं, आप जो ड्यूटी है वो तकरीबन सेम होगी। आपकी ड्यूटी जो उन रेस्टोरेंट वगैरह पे दे रहे हैं वो सेम ड्यूटी होगी। लेकिन इसका फ़ायदा ये आपको होगा कि आप जो तनख्वाह वगैरह, जो आप सैलरी रेस्टोरेंट वगैरह पे ले रहे हैं, जो पीसीओ वगैरह पे ले रहे हैं, आप इधर यहाँ पे डबल या ट्रिपल तनख्वाह आप इजीली निकाल सकते हैं। ये 100% गारंटेड बात है। अगर आपका कोई रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त वगैरह इस फील्ड में हैं तो आप इंफॉर्मेशन लें, उनसे पूछ सकते हैं कि वो पैसे अच्छे बना रहे हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अगर दूसरी बात ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रेस्टोरेंट वगैरह या पीसीओ वगैरह, जो कबाब वगैरह हैं रेस्टोरेंट वाले, आपका कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट 8 घंटे का नहीं होता है, 9 घंटे का जो होना चाहिए यहाँ पे ना, तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी कम घंटे का होता है, 4-5 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो उससे आपको अपने पेपर जो रीन्यू करवाने होते हैं उसमें मुश्किल आ सकती है। तो मेरे भाइयों, जो रेस्टोरेंट वगैरह पे या कहीं भी काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम में आप इसकी पढ़ाई करके आप इसको रेडी कर सकते हैं और ये इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको लैंग्वेज आती है, स्पैनिश आती है, या जहाँ पे यूरोप में आप रहते हैं आपको ज़बान आती है, तो आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपना ईजीली ये ट्रक का लाइसेंस निकाल सकते हैं। तो मज़े की बात ये भी है कि आपको कभी काम की कमी नहीं होगी। आप अगर पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, अपने मुल्क, अपने रिश्तेदारों के पास, फैमिली के पास, तो आप इजीली 6-7 माह, जैसे आप अच्छा फील समझें, जैसे आप अच्छा समझें, 6-7 माह काम करके इजीली आप वापस जा सकते हैं 2-3 माह के लिए। तो कहने का मकसद यही है, यूरोप में हम जो रह रहे हैं उन्हें पता होगा, ज़्यादातर जो काम करते हैं लोग फैक्ट्री एरियाज़ में या कहीं भी, छुट्टी जो असल छुट्टी है वो आपको 1 माह ही मिलती है, तकरीबन 25 दिन होते हैं, 26। तो 25-26 दिन साल बाद जाना पड़े तो वो बहुत कम टाइम होता है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छा मौका है हम सब के लिए कि आप इस फील्ड में आएं, पाकिस्तान जाएं, 2 माह रहना है, 3 माह रहना है, ईजीली रहें, और जब वापस आना है आप नेट पे इजीली रिसर्च करके, आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके अपनी कंपनी के साथ, तो इजी अपने जॉब का बंदोबस्त कर सकते हैं, आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। तो मेरे भाइयों, मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि प्लीज़ इस फील्ड में आएं। अगर नहीं आना चाहते तो ठीक है, लेकिन इसके बारे में ज़रूर के मालूमात लीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा ताकि वो इस फील्ड में आएं जो आना चाहते हैं और जो अच्छे पैसा कमाना चाहते हैं और इजी रहना, यहाँ भी इजी रहना चाहते हैं और फैमिली पास की भी इजी जाके रहना चाहते हैं। तो मज़ीद अगर आपने कुछ ट्रक रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी हो तो आप मुझे मेरे चैनल पर रब्ता कर सकते हैं, मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद आगे वीडियो बनाऊँगा जो के रिलेटेड होगी, लाइसेंस कैसे रेडी करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सा पहले करना है लाइसेंस और कौन सा बाद में करना है, इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कस करते रहेंगे। तो मकसद यही है, फिर मैं कह रहा हूँ आप लोगों को मोटिवेट करना कि आप प्लीज़ इस फील्ड में आएं, मेरा यही मकसद है आपको लोगों के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा तो फिर आपको रबते में रखूँगा, फिर आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।